ECAT मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 है जी इंटीग्रेशन, जिसके अंदर आज हम लास्ट लेक्चर जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के मुतालिक जो बहुत ही बेसिक लेवल की हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1 या फर्स्ट ऑर्डर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है जी, द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज e raised to power x dy by dx plus 3y is equal to x square y। ऑप्शंस हैं, the following equation r कह लें, I mean is की बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं r, ठीक है, r separable and not linear and not separable, both separable and linear, neither separable nor linear। अब सबसे पहले अगर integration differential equations के बारे में बात करते हैं तो differential equations के बारे में थोड़ा सा आपको basic idea दे दूँ। differential equations को हम ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्डर्स में, मतलब मुख्तलि तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में आपको आपसे बात करता चलूँ, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको बहुत सारे जो बेसिक लेवल के एमसीक्यूज को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन ये हो सकता है जी कि फॉर एग्जाम्पल गिवन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो या डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी यू नो कैटेगराइज टू डिफरेंट वेज, वो क्या है, सबसे पहले है जी ऑर्डर, ठीक है, या चले सबसे पहले, अब सबसे पहले अगर हम टाइप के हवाले से बात कर लें, टाइप्स, ठीक है, टाइप्स में हमारे पास बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तरह की टाइप्स हैं, ठीक है, बेसिक जो हम जिनकी बात करते हैं वो है जी डिफरेंशियल इक्वेशन, आई मीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODEs, और हम इनको PDEs पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जानते हैं, PDEs, ठीक है, ODEs एंड PDEs। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जैसे dy या x dy by dx, जिसमें dy by dx यानी डेल ऑपरेटर यूज, dy dx ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है, ये बेसिकली ऑर्डिनरी प्लस यू नो प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जहां पे पार्शियल y ओवर पार्शियल x, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये, पार्शियल ओवर पार्शियल है, पार्शियल y ओवर पार्शियल x प्लस लेट्स से x is equal to zero, ये क्या है, partial differential equations। So ये types के लिहाज से हम ODEs हमारे पास होंगी और PDEs होंगी। तो अगर आपको MCQs में इनमें से कोई चीज़ एक चीज़ आए तो you can identify, आप इनको जो है वो देख सकते हैं कि what will be the right answer, ठीक है। इसी तरह से types के बाद हम देखेंगे, types के बाद हम देखते हैं जी, types के बाद तो हमने बात कर ली, उसके बाद orders। अब ऑर्डर का मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहली बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होएगी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट एक डेरिवेटिव यूज हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, एक उसमें टर्म डेरिवेटिव वाली हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, कम अज कम एक टर्म, ठीक है, जैसे एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स, ये डेरिवेटिव वाली नहीं है, दिस इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर मैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स कर दू n plus 2y is equal to 6, तो अब एक इसमें derivative आ गया, तो ये क्या होगी, differential equation। अब इसका मतलब है order basically क्या determine करता है, order determine करेगा कि differential equation किस order, यानी derivative किस order के है। For example आप कहते हैं d2y by dx square plus x dy by dx plus x plus y is equal to 0, तो ये क्या है, ये first order है, sorry this is the differential equation of order 2, because डिग्री ऑर्डर मीन डिग्री, अगर आप इसमें देखें ये फर्स्ट ऑर्डर है, आई मीन फर्स्ट डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या यूज हुआ, सेकंड, इसका मतलब दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, इट कुड बी लाइक ऑर्डर 3 एज वेल, फॉर एग्जांपल d3 यानी x d3y बाय dx3 प्लस 2x d2y बाय dx2 प्लस 7 प्लस y इज इक्वल टू 0, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये differential equation of order 3 आ जाएगी। इसी तरह से it could be linear, ठीक है, जब देखें जो question है उसी के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, it could be linear। अब linearity क्या है, linearity से क्या मुराद है, for example अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक differential equation है dy by dx, ठीक है, plus x is equal to y, अब ये देखिए इसमें linear का मतलब है हर एक में degree जो है 1 है, तो definitely this is the linear differential equation। Similarly, अगर आपके पास हो x plus y into y prime plus y prime is another notation for dy by dx, ठीक है, we know that, plus x 2xy, ठीक है, अब ये देखें is equal to 0, this is not a
लीनियर, ठीक है, ये लीनियर नहीं, ये नॉन लीनियर हो गए, क्योंकि जहां पे भी y और y प्राइम इकट्ठा आएगा, यहां पे x y इकट्ठा आ गया, दैट मीन दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन की के लिए हम एक जो बेसिक चीज है जो कि आपको हेल्प आउट करेगी बहुत सारे एफसीक्यूज को सॉल्व करने में, मैं जस्ट उसका क्विक सा रिव्यू दूंगा आपको, दैट्स कॉल्ड शील्ड्स, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इस चीज का ख्याल रखते हैं, शील्ड, ठीक है, शील्ड। अब शील्ड्स क्या है, एस स्टैंड्स फॉर सेपरेबल, जो कि आपका क्वेश्चन है। सेपरेबल का क्या मतलब है, सेपरेबल का मतलब है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर डी वाई, यानी वाई डी वाई के साथ आ जाए एक साइड पे, यानी डी वाई एंड ऑल वाई टर्म्स एट वन साइड, और डी एक्स एंड ऑल एक्स टर्म्स एट वन साइड, देन इट्स अ डिफरेंशियल, इट्स अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली देर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट दैट्स अ यू नो नॉन सेपरेबल। इसी तरह से इट स्टैंड फॉर होमोजीनियस, होमोजीनियस यू नो दैट गिवन देर इज अ मिक्सचर ऑफ यू नो वेरिएबल्स, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इकट्ठे आ रहे होते हैं, दैट्स बेसिकली होमोजीनियस, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसके बारे में यू नो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि जो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में सम टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद है ई फॉर एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट मीन के क्या आप उसको एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई, यानी वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल डी वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में लिख सकते हैं। एल फॉर लीनियर, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट यानी क्या आप उसको डायरेक्ट वाई प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को डायरेक्टली सॉल्व कर, डायरेक्ट जो है वो बता सकते हैं कि वो सेपरेबल है या नहीं है, या आपको जो है वो इनडायरेक्ट वे से आप उसको सॉल्व करना पड़ता है। एंड एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन लीनियर होती है हम उनको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिकली मैंने इस पर डिटेल में ऑलरेडी बात कर रखी है, मकतब के लेक्चर्स में भी आपको इस पर डिटेल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, कि आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन एमसीक्यूज की तरफ अगर हम वापस आए तो अब इस गिवन एमसीक्यू को अगर आप देखें तो हमने बताना जी द फॉलोइंग, अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रिवाइज है, ठीक है। अब हम बताएंगे जी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, फॉलोइंग इक्वेशन जो है क्या वो सेपरेबल है सिर्फ या लीनियर है सिर्फ, या बहुत सेपरेबल या लीनियर भी है, या नीदर सेपरेबल नीदर लीनियर है। अब देखें सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियरिटी की, तो आप डी वाई बाई डी एक्स है, वाई अलग से एक्स स्क्वायर वाई है। अब इसका मतलब है कि अगर मैं इसको, अगर मैं इसको इस ऑर्डर में लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल के यू नो ई एक्स, सॉरी ई एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री वाई, और डी एक्स जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा ई एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री वाई डी एक्स, थ्री वाई डी एक्स, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप यहां पे देखें तो यहां से मैं इसको एक सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ई एक्स डी वाई, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और बेशक यहां से हम कॉमन भी ले सकते हैं, वी कैन टेक वाई कॉमन, वाई को अगर आप निकाल लें तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी एक्स, ठीक है। अब वाई को बेशक हम राइट साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा जी ई एक्स और वाई डी वाई is equal to x square minus 3 dx। अब देखें y, और इसी तरह से मजीद हम यूं कर सकते हैं कि यानी एक ही गो में दोनों के आंसर करना चाह रहा हूं, 1 over y dy ex जो यहां पे मल्टीप्लाई और इधर आके आ जाएगा डिवाइड x square, यानी ये बन जाएगा ex, यानी देखें ये बनेगा बेसिकली ये होगा x square minus 3, अब यहां पे मैं ब्रैकेट पुट करूंगा, ठीक है, यहां पे मैं ब्रैकेट पुट करूंगा, x square minus 3 dx dx over ex, या over ex लिखने के बजाय अगर मैं इसको लिख लूं you know e raised to power minus x, तो you can see that कि x वाली टर्म्स सारी एक साइड पे आ गई हैं, y वाली टर्म्स सारी एक साइड पे आ गई हैं with dy and dx। तो सबसे पहली बात कि this is separable, ये separable है, ये separable है, ठीक है। और उसके बाद linear है तो definitely first derivative use हुआ, just dy use हुआ है, ठीक है। अगर just dy use हुआ तो that means this is linear as well, this is linear, so I will go for option C. So C is the best option for me. C मेरे लिए यहाँ पे best option है।
नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो जी डिफरेंशियल इक्वेशन ds / dt + 2st is equal to 0 with initial conditions s equal to 4e and when t is equal to 0 is a है जी s is equal to 4 e t square minus 1 s is equal to 4 e 1 minus t square s is equal to 6 e 1 plus t s is equal to 6 e t minus 1. अब आप जानते हैं कि इनिशियल कंडीशंस क्या है. व्हेनेवर वी डू इंटीग्रेशन, तो हम फॉर एग्जांपल अगर मैं x स्क्वायर की x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता हूं, ठीक है, मतलब आई हैव एन x स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, यहां पे मैं इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाके एक्सप्लेन करता हूं आपको. देखिए अगर मेरे पास फंक्शन है y is equal to x square, ठीक है, y is equal to x square, तो मैं इसका dy / dx लेता हूं तो आई गेट 2x, ठीक है, चलो x स्क्वायर + 2 है, dy / dx 2x आ गया. अब अगर मैं वापस 2x का इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, तो 2x dx का इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास x2 + 2 आना चाहिए, बट आई गेट 2 कोफिशिएंट x2 का dx का अलग से डेरिवेटिव इंटीग्रल लिया जाएगा, तो ये पावर फार्मूला 1 + 1, ठीक है, व्हिच इज 2 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, आई जस्ट गेट x2. तो मैं अपनी आसानी के लिए मैं हमेशा कांस्टेंट पुट करता हूं. तो इनिशियल कंडीशंस बेसिकली हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है. इनिशियल कंडीशंस हमें उस एक्चुअल कांस्टेंट को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करती है. तो लिहाजा इस गिवन कंडीशन के अंदर मैं उसी कांस्टेंट को इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व करूंगा. तो मेरे पास जो कंडीशन है, जो इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज ds / dt + 2st is equal to 0, ds / ds / dt + आ गया मेरे पास 2st is equal to 0, 2st is equal to 0. तो सबसे पहले आप देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सेपरेबल फॉर्म में करना है, ठीक है, ये ds / dt is equal to, बहुत क्विकली करेंगे, ये बहुत इजी है, ठीक है, ये सॉल्व करने में शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी. देखो ds / ये ds बेशक आप s इधर ले आओ और minus t dt इधर आ जाएगा, minus t minus 2t dt, ठीक है, because 2 को हमने ले लिया है, तो minus 2t dt इधर आ जाएगा. अब ये सेपरेबल होगी, आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, सॉरी इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट इधर भी करेंगे और माइनस टू कोफिशिएंट अब बाहर इसको इंटीग्रेट. अब देखें ये आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे किसी को, आपने यू हैव टू सॉल्व इट एज क्विकली एज पॉसिबल, ये लाइक नॉट वन मोर देन वन मिनट. ये देखो वन ओवर एस है, इसका होता है नेचुरल लॉग ऑफ एस, ठीक है, ये माइनस टू और टी स्क्वेयर ओवर टू, बिकॉज पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वन प्लस वन और वन प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी, बिकॉज कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करने इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉग, टू टू से कैंसिल आउट हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ एस आ गया, ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर है, एंड वी नो दैट कि ये जब दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं अगर आप उनको कंबाइन करें तो क्या होते हैं, वो बेसिकली डिवाइड होते हैं, एस ओवर सी इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर. अगर आप नेचुरल लॉग को खत्म करना चाहते हैं, वी हैव टू टेक एक्सपोनेंट, आई मीन यू नो ई एक्सपोनेंशियल लेंगे दोनों तरफ, तो ई एक्सपोनेंशियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, एस ओवर सी इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, s = आ जाएगा c into e की पावर माइनस t स्क्वायर. अब इसका मतलब अगर मैं c की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा आई विल गेट द आंसर. इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें, इनिशियल कंडीशन क्या है, t जो है वो 0 है व्हेन s = 4e है, s जो है वो 4e के इक्वल है जब 4e के इक्वल है, ठीक है, सॉरी यहां पे मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली s जो है वो 4e के इक्वल है देन t = 0, तो t 0 करेंगे e रेज़ पर 0 इज गोना बी 1, तो c = 4e आ गया. अगर आप इसमें पुट करते हैं c की जगह 4e, तो वी गोना गेट द आंसर, ठीक है, 4e टाइम्स e की पावर माइनस t स्क्वायर. अब यहां पे पावर 1 है तो आ जाएगा 4e की पावर 1 माइनस t स्क्वायर, 4e की पावर 1 माइनस t स्क्वायर, so s = 4e की पावर 1 माइनस t स्क्वायर, व्हिच इज नॉट द ऑप्शन नंबर 1, व्हिच इज नॉट द ऑप्शन नंबर c, व्हिच इज नॉट द ऑप्शन नंबर d, इज ऑब्वियसली s is equal to 4 e की पावर 1 माइनस t स्क्वायर, सो b is my best answer. So whatever the condition is, आपने initial condition को apply करते हुए बहुत quickly से आप इसको simplify कर सकते हो. So that's not a difficult job.